अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो जी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जिनकी शादी हुई है उनके हमने करनी है दावत, तो उस सिलसिले में हम गए थे शॉपिंग के लिए और ग्रोसरी के लिए थोड़ा सा तो करने के लिए। ये मॉल है पैसिफिक मॉल, जो कि हमारे सिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो है ना वो बना है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा ये मॉल। यहाँ पे हर चीज़ जो है ग्रोसरी की मिल जाती है, उसके अलावा आपको किड्स कलेक्शन में मिल जाती है और होम डिकोर की भी चीज़ें मिल जाती हैं और किचन की चीज़ें तो बहुत ही अलग किस्म की मिल जाती हैं। यहाँ पे जी हम ग्रोसरी की तरफ से तो अब हम आ गए हैं जी, जहाँ पे ये बर्तन वगैरह हैं और मेरे बर्तन भी लेने थे थोड़े से कुछ, तो ये आप ले सकते हैं। इतनी प्यारी आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिजनेबल थी, कि इतनी रिजनेबल थी आम मार्केट से इस पर भी सही लग रही थी, बहुत अच्छी। मतलब अभी इन्होंने ना न्यू बनाया है पैसिफिक मॉल, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत रिजनेबल प्राइस पे थी। आपको अच्छी चीज़ मिल रही है रिजनेबल प्राइस मिल रही है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए जो यहाँ के एरिया के लोग हैं। और ये है दीपालपुर में, दीपालपुर में नया मॉल बना है उकाड़ा रोड पर, तो आप ज़रूर विज़िट करें जो हमारे सिटी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारी मिल सकती है। ये जो है मॉल्स हैं कि जो उनको बेकिंग का शौक़ है, तो वो यहाँ से अपनी पसंद की हर चीज़ ले सकते हैं। और ये आप ले सकते हैं कि ये पास्ता बनाने के लिए और केक बेक करने के लिए अपनी मर्जी के मॉल भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके अलावा ये बाकी सारी भी इलेक्ट्रिक किचन की चीज़ें जो हैं, ये डिशेज जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये वाली तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और ये तो बहुत खूबसूरत वाइट कलर में। और ये देख लेंगे ये ट्रे की आप प्राइस भी देख सकते हैं कि कितनी रीज़नेबल प्राइसेस हैं, और आगे जो है मैं सारी चीज़ें इसकी प्राइसेस भी जो है वो शो करूँगी। और ये जो तवा है, ये तवा सेट और ये तकरीबन 2000 का था, और ये वाले जो हैं बेलन रोटी बेलने के लिए, और ये डिशेज हैं जो लकड़ी वुड की बनी हुई हैं, और ये भी बहुत अमेजिंग लग रही थी, मज़े की लग रही थी। आप ये डिश को अगेन देखें क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा अगेन दिखाया है। और ये जो नीचे डिश लगी हुई है वो वाली भी, और यहाँ पे जो आ जाए बच्चों की एरिया में ये साइकिल वगैरह भी थी। और ये देखिए ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये आप अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, जिसमें चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने फेस वॉश शैम्पू और बाकी जो हैं वो आपकी वॉशरूम की चीज़ें जो होती हैं। ये जी फूड बास्केट्स हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और यहाँ पर सारी किचन की ही जो है प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे मग और कप जो हैं वो आपको मिलेंगे, ये वाले जो हैं मैट में, ये बहुत ही अमेजिंग थे। और ये देखें ये जस्ट है 260 की प्राइस इसके है, मैं ये आपको इसको ना क्लोज करके प्राइस भी दिखाती हूँ, तो ये जस्ट इसकी प्राइस है 290। और यही मग जो है ना वो कहीं और से मेरी दोस्त लेके आई है, तो तकरीबन 500 का मिला। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, और ये बच्चों की जो है टॉयज वगैरह हैं और झूले वगैरह और गाड़ियाँ, तो यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं या इस एरिए के हैं। और ये जी टेबल्स हैं, उसके अलावा ट्रॉलीज हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी, और उसके अलावा बर्तन जो हैं वो भी बहुत अमेजिंग थे। ये सारे वॉशरूम की जो हैं प्रोडक्ट्स हैं। और अब आ जाएँ जी डिनर सेट की तरफ और टी सेट की तरफ। ये डिनर सेट देखें, और ये डिश जो है वो बहुत प्यारी है, ये मैंने छोड़ दी है, बस मैं बने लेके आनी है, बस मुझे ना लेने लगी थी, फिर मैंने लिए नहीं, मैंने कहा कि ये ना कि जाते हुए कहीं टूटना जाए तो मैं आप लूँगी। ये देखेंगे ये है 7200 का, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छा भी है। ये डिश देख लेंगी ये कितने की है, 1240 की तो वन डिश है, ये तो बहुत ही रिजनेबल है, तो आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन क्योंकि ये अब न्यू है तो यहाँ पर इसलिए रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे दिल करता था कि हर चीज़ में ले लूँ, मैं तो जस्ट विज़िट करने गई थी, और फिर हमने सोचा चलो हमने दावत के लिए जो है ग्रोसरी करनी है वो भी कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें मैंने ली भी हैं यहाँ से, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। और ये जार देखेंगे ये भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें आप अपने नट्स वगैरह रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, और ये वाटर सेट है जिनमें से मैंने एक वाटर सेट लिया भी है, इनकी प्राइस बहुत कम थी, तो ये
वाटर सेट जो है ना वो 880 की प्राइस में थे, 880 की प्राइस में बहुत ही कम। तो एक मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो वाटर सेट ले लेती हूँ, ग्लास तो जितने भी कम होते। ये वाला डिनर सेट जो 9200 का जो है ना वो आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये नीचे येलो फ्लावर्स वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने ज़रूर बताना है कि आपने इसको इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, मतलब किचन की चीज़ अच्छी लगी है या फिर कोई और, मतलब जैसे अभी मैंने आपको किड्स की कलेक्शन भी दिखानी है उनकी क्लॉथ्स की, वो उनमें बहुत ही डिस्काउंट था, उसमें बल्कि 20% डिस्काउंट भी लगा हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्राइसेस हैं और किस तरह की यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जी किड्स कलेक्शन और ये बर्तन और ग्रोसरी, ये सारी चीज़ों में आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट और रिजनेबल प्राइस में लगी है। तो ये देखेंगे ये सारे जो हैं बर्तन बाउल्स हैं, ये सूप के लिए आप परचेस कर सकते हैं, ये सारे बाउल्स हैं, कस्टर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जी ये है हार्ट पार्ट जो कि बहुत खूबसूरत, मतलब एप्पल की ना शेप में बना हुआ है, और ये सारे बर्तन। और आगे जी आगे जी वॉशरूम के आइटम्स जो कि अपने वॉशरूम को आप डेकोर करने के लिए रख सकते हैं, और ये जो है ना ये सोप रखने के लिए है जी, इससे सारी ये भी वॉशरूम में रखने के लिए है। तो चलें जी आज अब बच्चों की क्लॉथ की तरफ, ड्रेसेस की तरफ। तो ये ड्रेसेस आप देख सकते हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैटल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ये सारी। और जी ये देखें ये सारी किचन की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग है। बस यहाँ पे जेंट्स की वैरायटी लगी हुई थी, ये पीछे वेस्टकोट थी और ये पैंट हैं और शर्ट वगैरह हैं। तो अभी मैं आपको इनके भी प्राइसेस दिखाती हूँ कि इनकी प्राइस कितनी रिजनेबल है। और ये हस्बैंड ने जो है ना वो एक शर्ट ली हुई है, ये देखिए जस्ट 1280 की शर्ट और ब्लू कलर में है, लेकिन हस्बैंड ने वाइट कलर में ली है, वाइट पहले भी हमारे पास लेकिन फिर भी जी हमें वाइट बहुत पसंद है तो हम वाइट में ही लेंगे। और ये पेंट है की कलेक्शंस है, और ये बच्चों के सूट हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल, ये वाला सूट जो है बहुत प्यारा है जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया है। तो इसकी प्राइस है 1050 रुपीज़, और बहुत ही एम्ब्रॉयडरी अच्छी उस पर हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो है और भी बाकी बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे तो वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया है तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगी है, मज़ा आया देख के चीज़ों की प्राइसेस देख के। और ये देखेंगे ये कितने इसमें डिस्काउंट है, 20% सारे ड्रेसेस पे डिस्काउंट लगा हुआ है। और ये देखेंगे ये बच्चे की फ्रॉक खूबसूरत है, ये की है 599 कम प्राइस से नहीं मिलती इतनी। ये लेडीज़ के लगे हुए थे सूट 3 पीस स्टिच्ड, और यहाँ पे भी हैं कि 2 पीस था और 3 पीस है, 3 पीस है, और पीछे जो जलबरी का लगा उस तरह का मेरा भी सूट है। और ये आगे जी कोट जेंट्स के कोट्स की तरफ आते हैं अब, तो ये देखेंगे कितने का है, 5400 का जी कोट मिला था। और आगे जो है ना वो नाइटीज़ का नाइटीज़ वगैरह और इस तरह की सारी जो है ना वो गारमेंट्स थी जो यहाँ पे अभी ये सारे जो हैं मैं दिखा रही हूँ। और ये छोटे बेबीज़ की हैं, 1 ईयर 1.5 ईयर और 6 मंथ बेबीज़ की ये कलेक्शन है, न्यू बॉर्न के बीच में लगी हुई है। तो ये आप अपने बच्चों के लिए यहाँ से ले सकते हैं, ये शर्ट्स बहुत कलरफुल और इनकी प्राइस भी तकरीबन 600 से 700 की रेंज में थी। ये फ्रॉक कितने की है, ये है जी 2100 की, मतलब 2100 की जस्ट है। और ये फैंसी है बच्चों की फैंसी ड्रेसेस हैं, इसके अलावा ये पेंट कोट लगे हुए हैं, और ये जी स्पाइडरमैन का सूट, इस तरह का भी आपको यहाँ से कॉस्ट्यूम लेना हो स्कूल में, इक्विपमेंट वगैरह हो बच्चों के, तो आप यहाँ से वो भी परचेज कर सकते हैं इनके। और ये जेंट्स की शर्ट, चेक की शर्ट है ये, और ये वाली जो है ये देखें 700 ओनली की, बहुत ही अच्छी प्राइस में, मतलब गर्म है तो ये विंटर कलेक्शन में इनकी थी, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था क्योंकि बहुत आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। और ये कलर्स भी इसमें बहुत ब्राइट से अच्छे अच्छे थे क्योंकि मुझे ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर जी मैं आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, मैंने बहुत कम चीज़ें लगाई। और यहाँ पे जी मैं वज़न कर रही थी क्योंकि हम जो है ना हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल के साथ ही था, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे वेट किया और मैंने दिखाया भी। और अब जी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया।
तो ये बहुत कम चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अगले व्लॉग में आपको शॉपिंग दिखाऊंगी और मैंने क्या क्या लिया था सारा। और साथ में अगले व्लॉग में आपको मिलेगा जी दावत का व्लॉग, और ये दावत की शॉपिंग थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया, एक शर्ट है, उसके अलावा स्कॉच ब्राइट के वो मैंने लिए थे, और ये ग्लव्स लिए थे, और ये क्लॉथ लिया था किचन साफ़ करने के लिए या फिर फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये छोटी मोटी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, लेकिन अभी बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरा व्लॉग जो है वहीं से स्टार्ट होगा जो मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, उसके बाद जो दावत की मैं रेसिपीज शेयर करूँगी कि दावत पर हमने कौन सी रेसिपी बनाई थी और दावत कैसी रही, वो सारी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो आपने इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताना है, और बताना है कि इन चीज़ों की प्राइसेज जो हैं वो रिजनेबल हैं या नहीं है, और आपको इनमें से क्या अच्छा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आई होप सो कि आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।